हर जगह शांतिपूर्ण निपटा है भदौली में, और यहाँ पे नमाज के बाद जो है कुछ लोग जो कि जुलूस के शक्ल में निकले हैं और निकल करके फिर थोड़ी दूर जाकर के डिस्पर्स हुए हैं। तो हालांकि सभी से बातचीत भी हुई थी और सब ने ये अश्योर भी किया था कि कहीं कोई समस्या नहीं आया, कि सब शांतिपूर्ण रहा, यहाँ भी कहीं कोई हिंसक घटना कोई भी नहीं हुई है। कुछ लोग जरूर जुलूस के शक्ल में निकले हैं। मैं अपने सभी शहरवासियों से यही कहूँगा कि अब तक जितना उन्होंने मेच्योरिटी का परिचय दिया है उसी को आगे भी कायम रखें, और एक अच्छा संदेश अयोध्या से भेजा गया है, इस बार भी वैसा ही जाना चाहिए और वैसा ही रहा है। आगे भी जैसे कुछ इसमें तत्व ऐसे हो सकते हैं जो कि पीठ पीछे से, जैसे जितने भी इनके रिलीजियस लीडर्स हैं, मुस्लिम के धर्मगुरु हैं, उन सबसे हमारी बात हुई थी और लगातार सबका जो है सहयोग इसमें मिला है। हमारी यही अपील सभी लोगों से, अभी तक बहुत अच्छा माहौल यहाँ से अयोध्या से गया है, शांति का भी और सौहार्द का भी। और अपील यही है कि किसी के भी बेकाबे में ना आए, अफवाहों से बचें। लगातार हम लोग भी सोशल मीडिया पे और ट्विटर और यूट्यूब फेसबुक वगैरह सभी पे हम लोग अपने संदेश भेज रहे हैं, जो भी अफवाहें उनका खंडन भी कर रहे हैं, उसके लॉजिकल सारी चीज़ें बता भी जा रही हैं। इनफैक्ट जो एक्ट है वगैरह वो भी सारे शेयर किए गए हैं। तो सभी लोगों से ये मेरी अपील है कि इनसे बचें। दूसरा, जो भी लोग ये सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर कर रहे हैं तो उन सभी पे, कई लोगों पे चिन्हित करके हमने कार्रवाई की है, कुछ लोगों को काउंसिल किया है, कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया है, कुछ लोगों को हमने जो है विधिक कार्रवाई भी की है। तो इस तरीके से जो एक अच्छा सौहार्द का, एक जनता को पूरा क्रेडिट है यहाँ की कि उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का पालन किया है, और आगे भी मेरी अपील उन्हीं से ये है कि वो इसका पालन करें। प्रशासन आपके साथ में कंधे पर कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। किसी प्रकार की कोई परेशानी हो आप मुझे और DM साहब से डायरेक्ट आके मिल सकते हैं और अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं।